जोहार दोस्तों, मैं सावित्री। राम राम जी, मैं गणेश जी। सावित्री कुमारी ऑफिशियल में मैं आपसे का स्वागत करती हूँ। अभी जैसे घर से निकली, मुझे ये दे दिए। क्या दिया मुँह में? क्या? इलायची, छोटी इलायची। उससे बोले सुगंध आती मुँह में और अच्छा भी रहती इलायची। खाना वाना खाए, अभी समय हो रही है 1:30-1:30। आपको पता है स्लैब के चक्कर में हमारे इधर सारे माल पड़े हुए थे, तो आज जाएंगे वाटर करने। दोस्तों, जब से हमारा स्लैब का काम चालू हुआ, ये देख सकते हैं सारा माल हमारा पड़ा हुआ, कम से कम 1 लाख का माल होगा, है ना? 1.5 लाख का माल है जो हम लोग लेके जा ही नहीं पा रहे थे, समय ही नहीं, स्लैब के चक्कर में इतने परेशान थे हम लोग। अब जाके हमें समय मिला है, आज हम लोग जाएंगे। सोच रहे कि सारा माल लेके चलते हैं और वाट ऑफ करते हैं। और थोड़ी प्रॉब्लम मनी की भी आई है, वो भी मैं आपसे थोड़ी देर में बताती हूँ क्या प्रॉब्लम है। अरे पानी नहीं गिर गया, अभी तो इतना ही है, अभी जब खोलेंगे तो हमको लग रहा है भंडार लग जाएगा ना। गणेश जी, पानी में लग गया था ना, कीचड़ लग गया, तो साइड कर दिए, पोंछ दीजिए कोई बोरा से। दोस्तों, माल दे देके ही हम लोग जा रहे हैं, रास्ते में अभी 2-3 जन को माल अटक हो गई है। अभी ये पीछे में इतना माल बचा हुआ है, ये माल लेंगे, उसके बाद ऑर्डर चालू होगा हमारा। मैं बोली नहीं आप लोगों को, मैं बता दूं कि हमारे हम लोग ठंडन गोपाल हो चुके हैं अभी, इसलिए तो हमारे पास 1 रुपया भी अभी बचा नहीं है। अभी भैया थोड़ा धीरे चलाइएगा, आवाज नहीं पहुँचेगी। तो अभी हमारे पास 1 रुपया भी बचा नहीं है, इसलिए अभी दोनों हम लोग हस्बैंड वाइफ निकल चुके हैं। ऑर्डर लेंगे, पैसा कलेक्ट करेंगे। 21 दिन तक तो अभी स्लैब रहेगी, उसके बाद काम चलेगा। और एक्चुअली इनको लाना नहीं था, पर जैसा इनका घर में भी मन नहीं लग रहा था, तो मैं बोला धीरे धीरे चलो जाएंगे क्या। और देखिए, एक जन अगर 2 जन ऑर्डर लेंगे तो और ज्यादा होगा ना, ये भी मैं सोचा की 2 जन अगर लेंगे तो। दोनों अभी चल पड़े, चल दोस्तों वाट ऑफ करते करते और अभी एक ही जगह का बचा हुआ है, एक दुकान का, उसके बाद हम लोग ऑर्डर लेना चाहते हैं ना गणेश जी। और मैं उतर रही हूँ, बैठ रही हूँ, ज्यादा देर तक मैं बैठ के रह नहीं पा रही हूँ, उतर रही हूँ, बैठ रही हूँ। यहाँ पर माल देना हो रहा है, दोनों साथ में जा रहे हैं। थोड़ी झालमुड़ी खिला दी, दोस्तों इधर से घर जाते समय खा रहे हैं क्या? मिसड़ खाते। देखिए चोर पकड़ा गया। देखिए आपका है। तो दोस्तों अभी हम थक कर आए थे अपने काम से रिटर्न, तो मेरी धर्म पत्नी बोले कि मुझे लस्सी आइसक्रीम, इधर झोला रखा हुआ है, तो लस्सी आइसक्रीम अभी खा रहे हैं, और वो भी इनकी डिमांड पर। मुझे लस्सी आइसक्रीम खास पसंद नहीं है। देखिए कैसे फंसाते हैं, खा लेता हूँ। ये सिर्फ फंसाने के लिए सावित्री को आगे कर देते हैं, ठीक है, कुछ पीछे हो जाते हैं। देखिए कितना शर्माते हैं, खाइए ना दोस्तों। कल रात को
बहुत रात हो गई थी घर आते आते, क्योंकि वहाँ से तो हम लोग जिस जो गांव गए थे माल पहुँचाने ऑर्डर लेने के लिए, वहाँ से तो जल्दी आ गए, लेकिन ये बोले जब भैया को पैसा हमारा उतना ठहराया हुआ रहता है, तो गणेश जी बोले एक काम करते हैं ना कि जो हम लोग जहाँ पर अपने गांव है वहाँ पर भी थोड़ा सा चल जाते हैं। इनका कॉल आया था 5-6 जन का, कृषि सीजन अभी स्टार्ट होने वाली है, तो फिर हम लोग वहाँ गए और 3-4 ऑर्डर लिए, जिसके कारण रात ज़्यादा नहीं हुई लेकिन 7:30 बज गए थे। 7:30 बजे आए, इसके बाद नहाना धोना, बाहर से आते हैं तो डिटॉल से धोना, साफ सफाई के मामले में ये बहुत आगे रहते हैं, तो फिर वीडियो को एंड ही नहीं कर पाए। दोस्तों आप लोग कमेंट में हमको पता है बहुत बोलिएगा कि सावित्री दीदी आपको इस हालत में नहीं जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, लेकिन अभी परिस्थिति ऐसी आ गई है कि घर बना, अभी घर का तो ये हो गया, छत हो गया, लेकिन उसमें प्लास्टर वगैरह बहुत सारा बाकी है, तो उसको करने के लिए मैं और गणेश जी दोनों मिल के गए, बोले कि दोनों अगर एक साथ काम करेंगे तो कुछ हो सके, हमारा प्रॉफिट हो, कुछ अच्छा हो, और धीरे धीरे गाड़ी चला के लेके गए, और अभी फ़िलहाल हमें ज़रूरत भी है, इसलिए गणेश जी तो मना ही किए थे, मैं ही बोली कि नहीं मैं जाऊँगी, चलिए कुछ नहीं होगा, क्योंकि इधर का तो सारा घर का हो ही गया, मुझे तो 4 घंटा ऐसे ही रहना है। हम लोग अगर 1:30-2 बजे निकले तो खाना वाना खा के सब कुछ करके उसके बाद निकले, उसके बाद मैं क्या करती अकेले, मैं बोली आपके साथ शायद मैं हाथ बटा दूँ, और मैं हमेशा गणेश जी के मतलब कोशिश करती हूँ कि उस पर ज़्यादा लोडेड ना हो, हम दोनों बराबर मतलब काम करें, कोई भी फील्ड में हो, चाहे यूट्यूब के मामले में हो या काम के मामले में हो। आप लोग बोलते हो सावित्री दीदी, बहुत सारे आप लोग नहीं, बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं यूट्यूब में जो बोलते हैं सावित्री दीदी तो बस अपना नौटंकी चालू रहती है, घर आती है कि तबीयत खराब हो जाती है। आप लोग उस औरत को पूछना जो अभी इस पोजीशन में है, जो प्रेग्नेंट है, नरम गरम होते रहता शरीर, और आज मैं ठीक हूँ तो कल पता नहीं, मतलब डेली, अभी जैसे मैं अभी ठीक हूँ, 1-2 घंटा बाद कुछ खाऊंगी, मैं रात में खाना छोड़ दी हूँ, 5 या 4 बजे तक खाना खा के अपना मतलब हजम होने में भी मुझे टाइम लगती, इधर हम लोग भाड़ा घर में रहते तो घूम भी नहीं सकते, तब ऐसा सिचुएशन है, तब यहाँ की रूल अलग है, इसलिए हम लोग जल्द से जल्द जाते हैं अपना घर बने, और आपको विस्तार से समझाएंगे कि यहाँ पर क्या क्या हो रहा है इस घर में, मतलब ऐसा किसी के साथ ना। दोस्तों मैं वीडियो यहीं पर एंड करती हूँ, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, जय झारखंड, जय महाराष्ट्र।